क्लाउज 8 नवंबर को ये रिलीज हुई थी और 15 नवंबर को इसे डिजिटली लॉन्च किया गया था। अभी फिलहाल नेटफ्लिक्स पे ये मूवी आपको मिल जाएगी। जो इसके डायरेक्टर हैं सर्जियो पेब्लोस, आई थिंक नाम यही है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में शायद गड़बड़ हो सकती है। अब अगर मैं इस मूवी की कहानी अगर आप लोगों को संक्षेप में बताऊं तो यह एक कहानी है, एक फिक्शनल स्टोरी है, मतलब इमेजिनरी स्टोरी है कि सेंटा क्लाउज कहाँ से आए थे। और यह कहानी घूमती है एक पोस्टमैन के इर्द गिर्द, जो एक दोस्त बनता है क्लाउज का, टॉय मेकर का, जिसका नाम क्लाउज होता है, जो बाद में सेंटा क्लाउज कहलाता है। तो ये एक संक्षेप में इस कहानी का विवरण है, एक फिक्शनल स्टोरी है, कॉमेडी से भरपूर है, बहुत कॉमेडी देखने को आपको मिलेगी। अब मैं आपको अगर विस्तार से इस मूवी के बारे में बताऊं तो एक लड़का जेस्पर नाम का, जो जवान है, जो बहुत एक अमीर घराने से आता है और उसे सिर्फ अपने बिस्तर पे सोना पसंद है, बहुत आलसी, उसे कोई काम नहीं करना, यह चीज़ें देखकर उसके पिता जो है वो परेशान है। वैसे ये चीज़ें तो किसको पसंद होती है, किसी के माँ बाप को तब चीज़ें पसंद नहीं होती कि उसका बच्चा ऐसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। तो जेस्पर के पिता, जो एक उनका व्यापार है, चिट्ठियों का बिजनेस है, वो अपने लड़के को सुधारना चाहते हैं, तो उसे पोस्टमैन बना के एक स्मिरन्सबर्ग, एक जो एक ऐसा आइसलैंड है वहाँ पे, वहाँ एक छोटा सा टाउन है स्पिरिट्सबर्ग, जो जमा हुआ है, बर्फीला आइसलैंड है, वहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता। तो अपने बच्चे को सख्ताई करते हुए वहाँ पे स्पिरिट्सबर्ग में भेज देते हैं ताकि ये कुछ सीख जाए वहाँ पे, अपनी जिम्मेदारियों को समझे, कुछ चीज़ें सीरियसली लेना स्टार्ट कर दे। जब जेस्पर वहाँ जाता है तो वो ये देखता है कि वहाँ दो कम्युनिटीज़ है, नाम तो मुझे नहीं पता उन कम्युनिटीज़ का नाम क्या था, दो कम्युनिटीज़ है, आपस में वो लड़ रही है और काफ़ी सालों से वो लड़ती आ रही है। उनके पीछे रीज़न किसी ने नहीं दिया कि भाई हाँ वो लड़ क्यों रही हैं, बस उन्हें लड़ाया जा रहा है, कोई मिथ है, कोई ऐसी भ्रम में ही उनको लड़ाया जा रहा है कि हाँ हम सालों से लड़ते आ रहे हैं तो हम यही प्रथा फॉलो करेंगे। तो यह देख के वो बड़ा ही मतलब घबरा जाता है कि यार अब क्या होगा। फिर वो कोशिश करते हैं कि उसे कोई ना कोई बंदा उसे चिट्ठी पोस्ट कर दे। देखो उसके पिता एक शर्त रखते हैं कि जेस्पर को अगर वो एक साल के अंदर अपने हाथ से स्टंप की हुई 6,000 चिट्ठियां अगर वो डिलीवर कर देगा तब उसे वो वापस बुला लेंगे। लेकिन जब वो यह देखते हैं कि दो कम्युनिटीज आपस में लड़ रही है, वहाँ कोई भी एक सिंगल ऐसा पर्सन नहीं है जो चिट्ठी कोई भी पोस्ट कर दे वहाँ, क्योंकि यार बंदे वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लड़ाई कर रहे हैं, कोई प्यार से बैठ के या प्यार से नहीं, जो कोई बात ही नहीं करना चाहता, सिर्फ और सिर्फ हाथ पैरों का वो यूज़ कर रहे हैं। तो इस हालात में वो इतना डिप्रेस हो जाता है, इतना टूट जाता है, वो गिव अप कर देता है कि यार अब नहीं होने वाला, कि ये लोग जो है वो मेरी बात नहीं सुन रहे, कोई भी बंदा यहाँ पे पोस्ट नहीं कर रहा कोई भी चिट्ठी। और दूसरी तरफ यहाँ पे एक टीचर है, एक टीचर का जिसका नाम है एलवा, जो इस विलेज में आई, इस टाउन में आई जो बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन इसको भी निराशा ही आ सकती है क्योंकि कोई जो कम्युनिटीज है, दोनों कम्युनिटीज है, ये अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजती ताकि यहाँ ये एक दूसरे कम्युनिटी के बच्चे वहाँ जाके बैठे और एक दूसरे के दोस्त बने, एक दूसरे को समझे। तो ये चीज़ें देख के वो टीचर भी उदास होती है कि हाँ वहाँ कोई आ नहीं रहा, तो वो क्या करती है, उस विलेज से जेस्पर की तरह से वो निकलना चाहती है। अपनी हर उम्मीद खोने के बाद तो एक जेस्पर को एक इंसान मिलता है, लकड़हारा, जो जिसका नाम क्लाउज है। क्लाउज क्या होता है कि एक बूढ़ा इंसान जिसकी वाइफ जो है गुजर चुकी है और जिसके कोई बच्चे नहीं है, और अपने बच्चे की याद में उसने बहुत सारे खिलौने बनाए हैं। तो जेस्पर जो है वो क्लाउज से मिलता है और उसके अपने दोस्त बन जाते हैं वो वहाँ पे। तो क्लाउज को पता चलता है जेस्पर के थ्रू कि स्पिरिट्स वर्ग में कोई बच्चा है जो उदास है और उसे खिलौने की ज़रूरत है, तो उसे अपना खिलौना दे देता है, जेस्पर उसे दे के आता है। जब ये बात पूरे स्पिरिट्स वर्ग में बच्चों के पे फैलती है तो सब बच्चे जो जेस्पर की तरफ भागते हैं, वो कहते हैं कि यार हमें भी एक खिलौना ला के दो। तो जेस्पर उनके लिए एक शर्त रखता है कि तुम पहले एक चिट्ठी लिखो, एक चिट्ठी लिख के मुझे पोस्ट करो, तब मैं क्या करूँगा कि तुम्हें एक खिलौना दूंगा। लेकिन इत्तेफाक की बात ये होती है कि किसी बच्चे को लिखना तक नहीं आता क्योंकि दोनों कम्युनिटीज अपने बच्चे को किसी जगह भेजती है नहीं, तो वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते, लिख नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते। तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल जाते हैं स्कूल में, वहाँ जाके वो अटेंड करते हैं क्लास को, वहाँ पढ़ना स्टार्ट करते हैं, लिखना सीखते हैं, अपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपना नाम लिखना सीखते हैं। तो सब बच्चे कितने उत्साहित होते हैं कि सब अपना अपना नाम लिख रहे हैं, ये देख के वो टीचर भी कितनी खुश होती है कि हाँ भाई सब बच्चे पढ़ रहे हैं। एक टीचर को देखो यार इससे ज़्यादा और क्या चाहिए होता है कि बच्चे उससे पढ़ रहे हैं। वो अपनी जवा पूंजी उस टीचर जो एलवा है उसने इस टाउन से निकलने के लिए जो अपनी जवा पूंजी बचा रखी थी वो सब खर्च कर देती है ताकि बच्चों को अच्छी से अच्छी फैसिलिटी मिल सके।
खैर जेस्पर साथ में एक शर्त भी रखता है कि अगर कोई बच्चा शैतानी करेगा या फिर गलत काम करेगा तो उसे भी कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा, उसे कोई खिलौना नहीं मिलेगा। यह बात तो बच्चों के दिमाग में ऐसे फिट हो जाती है, वो बच्चे बुरा काम तो दूर की बात है, वो एक दूसरे की मदद करना स्टार्ट कर देते हैं, एक दूसरे की कम्युनिटीज में एक दूसरे की हेल्प करना स्टार्ट कर देते हैं। यह देख के जो बड़े जो है वो भी अपना उनका दिल परिवर्तन, हृदय परिवर्तन हो जाता है, वो भी एक दूसरे के साथ आगे आते हैं, फिर एक दूसरे की मदद करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब सब कुछ एकदम चेंज हो जाता है, सिर्फ एक बच्चों की वजह से जो बच्चे हैं वो इतना काम करना स्टार्ट करते हैं तो सब कुछ चेंज हो जाता है। वहाँ पे एकदम शांति आ जाती है, कोई एक दूसरे के साथ लड़ता नहीं, सब एक दूसरे की मदद करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आप देखें कि ये कम्युनिटी जो आपस में प्यार कर बैठी है, जो एक दूसरे की मदद कर रही है, इन दोनों कम्युनिटी के जो जो टॉप लेवल के जो बंदे होते हैं, अब ये क्या देख रहे हैं कि भी हाँ इनकी कम्युनिटी के बंदे तो आपस में बातें करने लगे, मिलनसार रहने लगे, इनका क्या होगा, अब इनको कौन पूछेगा। तो वो क्या करते हैं, वो दोनों कम्युनिटी के जो सरदार होते हैं वो एक दूसरे के हाथ मिलाते हैं और वो इन दोनों कम्युनिटीज के लोगों को आपस में लड़ाने की तरकीब लगाते हैं ताकि इनको वापस लड़ा सके और ये अपनी उसके ऊपर रोटियां सेक सके। देखो कुछ एक ऐसा नज़ारा हमें हमारे देश के अंदर भी देखने को मिलता है, कुछ जो धर्म के ठेकेदार, जो कास्ट के ठेकेदार बैठे रहते हैं, वो बस क्या करते हैं, वो बस यही तो कर रहे हैं कि वो लोगों को आपस में लड़ा देते हैं। वास्तव में जो लोग जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, खुश रह सकते हैं वो, और उनके अंदर अगर बताया जाए कि कोई गलत चीज़ नहीं है अलग कम्युनिटी में या अलग रिलीजियल में, लेकिन अगर ये चीज़ उनको पता चल जाती है लोगों को तो ये ठेकेदार जो है इनका काम कैसे चलेगा। देखो मुझे ये मूवी वास्तव में इस चीज़ पे भी पसंद आई क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं मुझे झलक दिखी, क्योंकि मैं देखता हूँ कि हाँ यहाँ इस चीज़ के बीच में लड़ाई हो रही है या वहाँ इस चीज़ के बीच में लड़ाई हो रही है। तो देखो यार लड़ाई जो ये एक दूसरी जो कम्युनिटीज होती है वो आपस में करती है, जो इनको कराने वाले होते हैं इनका तो कुछ जाता है नहीं, जाता तो उन लोगों का ही है जो कर रहे होते हैं। तो हमें हमें सीखना चाहिए कि यार हमें प्यार से रहेंगे तो हम हमारे देश को भी बहुत सुंदर बना सकते हैं, शांतिफुल प्रिय, मतलब एकदम पीसफुल हमारे इस देश को, जो इसकी डाइवर्सिटी है उसको निखार सकते हैं, तो बहुत एक अच्छी चीज़ है। तो ये मूवी मैं वैसे रिकमेंडेड करूँगा कि आप लोग इसे देखें, अपने बच्चों को जरूर दिखाएं कि हाँ वो समझे कि देखो लड़ाई में कुछ नहीं रखा है, और जो आने वाली जो जनरेशन है और जो हमारी जो जनरेशन चल रही है और जो आ रही है तो उनको हमें सिखाना होगा कि ये जो लोग हैं जो ये धर्म के ठेकेदार बन के बैठे हैं कैसे लड़ा देते हैं दूसरों को आपस में सिर्फ अपने मतलब के लिए, उस पर सिर्फ अपनी रोटियां सेकते हैं, अपनी सियासी वोट बैंकिंग जो करते हैं उनसे कैसे बचा जाए, उनको कैसे पहचाने कि भाई हाँ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यो करते हैं, लेकिन वास्तव में आप ग्राउंड रियलिटी देखोगे तो लोग एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, खुश रहते हैं वो एक दूसरे के साथ मिल के, एक दूसरे का कल्चर समझ के, एक दूसरे का रिलीजियन समझ के। जो हमारी खूबसूरती जो जो हमारे देश की जो खूबसूरती है ये डाइवर्सिटी की, जो बहुत कमाल की है यार। तो जरूर देखो ये मूवी, नेटफ्लिक्स पे आप लोगों को मिल जाएगी, हिंदी में ही है, कोई इंग्लिश में नहीं है कि आप सोचो कि इंग्लिश में है, हिंदी में आपको बेशक ये अवेलेबल है। मेरी तरफ से मैं इस मूवी को देना चाहूँगा 9 out of 10 स्टार। अगर आप लोगों ने ये देखी है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।